कि थोड़ा स्लो ही सही बना लेंगे, लेकिन इंजरी फ्री रहेंगे। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, मेरे ही जिम पे लोग गलत करते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, वेट को उठाते हैं, हल्का वेट ही, फिर ये टेक्निक नहीं होती है यार। अरे यार मुझे तो मारन दो सेट, तुम तो छाती पे चढ़ गए यार। एक सेट मान लूँ मालिक, मान ले कादा बाबू जी, एक सेट कर ले। थैंक यू। सेट के बाद बता रहा हूँ भाई। तो भैया जिम में, अपने जिम पे खासकर एक्सरसाइज करनी बड़ी मुश्किल रहती है, और अपने सेट मारते मारते भी ना कई बार तो ऐसा होता है बेंच पे लेट हुआ और ये लोग कहते भाई देखना। सर राम राम मेरे भाई, कैसे आप सब लोग? तो स्वागत है आपका अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे, और आज मैं करने जा रहा हूँ अपना चेस्ट का वर्कआउट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जैसा जो भी ज्ञान मिलेगा आप लोगों तक दूंगा। तो आज मैं, मेरे को तो पता है खैर, लेकिन आज लोगों को, आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि ईजिली मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, और ये लड़की भी ले सकती है, लड़का भी ले सकता है। इसके बेनिफिट होते क्या है, पहले करते हैं बेनिफिट की बात। इसके बेनिफिट होते हैं, ये अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, ये अपने ब्लड फ्लो को तेज करता है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये है क्या चीज़? सुमेर भाई वीडियो के तक बने रहना, आज आपको बताऊंगा मैं ऐसी चीज, और प्लस जो आपका वेट गेन करने में आपकी हेल्प करेगी, और प्लस ये वाली चीज कोई भी किसी भी एज का बंदा इसको खा सकता है। तो चलो अभी अपना करते हैं चेस्ट का वर्कआउट, थोड़ा सा वार्म अप के बाद। चलो अब मार रोप एक्सटेंशन मान लेना। तो भैया मेरे जो बिगिनर भाई हैं मैं उनको बोलूँगा, आप लोग तो पुशअप से शुरू करना, मैं पुशअप नहीं लगाऊंगा, मैं करूँगा डायरेक्ट बेंच प्रेस। तो पहला वर्कआउट करते हैं फ्लैट बेंच प्रेस। चलो सो भैया पहला वर्कआउट शुरू करते हैं अपना फ्लैट बेंच प्रेस से। और बेंच प्रेस में मैंने अक्सर देखा लोग बाग भाई यहाँ से ग्रिप पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं। भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रिप का, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना कि यार, देखो सिंपल सा फंडा बताऊँ, एक उसके बाद रखो चार फिंगर, जहाँ पे अपनी चौथी फिंगर जाती है वहाँ से पकड़ो ये, ठीक है, और बेंच को उठा के अपना। चलो जी जय श्री राम। एक दो, रेंज ऑफ मोशन फुल करनी है, लेकिन ये सीधा नहीं करना है ऐसे, ठीक है। तीन चार पाँच छः दस। तो भैया फ्लैट बेंच के बारे में आपको चार सेट, जैसे कि आप लोगों ने देखा है मैंने मारा है 10 रैप सिर्फ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा गेनिंग पे हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10-12 रैप ही मारूंगा, ज़्यादा नहीं मारूंगा। और इसके आप लोग करना, अगर आपको लगता है 10 रैप आपने हल्के बहुत लाइट लग रहे तो वेट बढ़ाते जाना, क्योंकि मैं तो बढ़ाऊंगा ही, आप लोग भी बढ़ाते जाना वेट गेन। जिस भाई का वेट गेन नहीं हो रहा है वो अपना यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर चॉइस का बल्किंग गेनर। बेनिफिट क्या है इसके मैं बता देता हूँ। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें मिलती है हमको कैलोरीज, अगर हमारी डाइट पूरी नहीं हुई तो एटलीस्ट हम ये खा लेते हैं, हमको एक कैलोरीज मिल जाती है, जिसके कारण हमारे वेट बढ़ने में हमारी काफ़ी मदद मिलती है। तो आप लोगों को तो मैंने बताया था कि इसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं, हमारे को वेट बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है, कैलोरीज ज़्यादा है। और है क्या इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, आप लोग इधर पढ़ भी सकते हो, इसके अंदर 53 ग्राम प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, 2.7 ग्राम क्रिएटिन जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन की कमी को पूरी करेगा, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, 4.5 ग्राम ग्लूटामाइन, यानी ग्लूटामाइन हमारी बॉडी के मसल्स को रिकवर तेजी से करता है, हमारी बॉडी में मसल्स के तेजी से रिकवर होने से हमारी बॉडी जल्दी डेवलप होती है, ये हमारी हेल्प ग्लूटामाइन करता है। अब आते हैं 1.8 ग्राम, क्या ये एमसीटी ऑयल, 1.8 ग्राम एमसीटी ऑयल है, जो कि मेरे भाई बिगनर जिनों का वेट नहीं बढ़ता है उनों के लिए इतना बेनिफिट का होता है कि भाई इसको खा के हमारी बॉडी को, मतलब कई बार ऐसा होता ना यार जबरदस्ती खा रहे हैं, ये कहानी नहीं होगी, जबरदस्ती खाने वाली कहानी नहीं होगी, हमारी भूख बढ़ेगी, हमारा एपेटाइट बढ़ेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा डाइट नहीं खा पाएंगे, और ज्यादा डाइट खाने से, अच्छा वर्कआउट करने से हम लोगों को रिजल्ट ये मिलेगा कि हम अपने अच्छे मसल बिल्डअप कर पाएंगे, अपनी बॉडी को अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। तो मेरे भाई, जितना मेरे भाई कोशिश कर रहे हैं यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा सप्लीमेंट लेने के लिए, उन चीजों पे ना जाए, अच्छी चीजें ये मिलती है कि आप जब भी जाओगे इसको बाय करोगे, इसका लैब सर्टिफिकेट आपको आपकी वेबसाइट पे दिख जाएगा कि ये लैब सर्टिफाइड है, ठीक है जी। तो चलो अपना वर्कआउट करते हैं, जिस भाई को लेना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जाओ बाय कर सकते हो डॉक्टर चॉइस का बल्किंग गेनर बढ़िया डिस्काउंट के लिए, मेरा कूपन कोड है DCTiger07, इसको जरूर यूज करना, थैंक यू। चलो अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। सो भैया चलो अब अपना लास्ट सेट है फ्लैट बेंच प्रेस का, और मैंने हर सेट में मारे अपने 10-10 रैप, 9-9 रैप, और वेट तो बहुत ही कम मार रहा हूँ मैं, ज़्यादा मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वेट मारने से मेरी कुछ इंजरी हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है फिर दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करी है अपना, काफ़ी ब्रेक हो गया था।
लंबी वाली बाहर लियो भाई, करते करते ना इनको भी देखना पड़ता है, ट्रेनर का ये हाल होता है, कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, इतना आसान नहीं होता है। मारने को मैं डबल वेट भी मार सकता हूँ, आप लोग देख रहे हो मैं कितना इजी लिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग के अंदर एक चीज़ रहती है हमेशा कि थोड़ा स्लो ही सही बना लेंगे लेकिन इंजरी फ्री रहेंगे, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अपना नेक्स्ट वर्कआउट शुरू करते हैं। चलो अपना सेकंड वर्कआउट है फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। और भैया मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, मेरे ही जिम पे लोग गलत करते हैं कि भैया क्या करते हैं लोग ऊपर बैठ जाते हैं, वेट को उठाते हैं हल्का वेट ही, फिर ये टेक्निक नहीं होती है यार, इससे किसी दिन आपकी बैक चली जाएगी और कुछ लोगों की जा भी चुकी होगी, शोल्डर में इंजरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। तो क्या है, आराम से नीचे फ्लोर पे बैठो, पीछे बेंच से बैक सपोर्ट लो, ऐसे बैठे, और इसको बीच में रोकना ही नहीं है, इतनी पावर अपनी बॉडी में जनरेट कर दो कि ये डंबल सीधा आपकी चेस्ट के पास रुके, फुल माइंड सेट एंड मूव, 1 2 3 4 5 6 10 सेम वही एंड डाउन। बैक भी सेफ रहेगी, हाथ भी सेफ रहेगा, शोल्डर भी सेफ रहेगी। तो इसके मारने 4 सेट और कोशिश करना सेम 10-12 रैप की। चलो अरे यार मुझे तो मारन दो सेट, तुम तो छाती पे चढ़ गए यार, तुम लोग देख रहे हो एक ट्रेनर का सीरियसली इतना बुरा हाल रहता है, वो अपनी ट्रेनिंग का सेट बाद में करा, आज भी डंबल लेके पहले खड़ा रहा है। अगर मैं लेट भी जाता ना तो यार भी पूछते रहते भाई क्या करूँ, एक सेट मान लूँ, मालिक मान ले, कहा बाबू जी एक सेट कर ले, थैंक यू, सेट के बाद बता रहा हूँ भाई। तो भैया जिम में अपने जिम पे खासकर एक्सरसाइज करनी बड़ी मुश्किल रहती है, और अपने सेट मारते मारते भी ना कई बार तो ऐसा होता है बेंच पे लेट हुआ और ये लोग कहते भाई देखना, पता ना कैसे देखूँ बेंच पे लेट लेटा। चलो खैर अपना सेट मारते हैं, फाइनली सेट, लास्ट सेट है, देखिए चल हाइपर मार, हाइपर के 4 सेट मार, वन आर्म मार, ले डंबल 20 से तो शुरू कर, वैसे छाती पे चढ़ जाओगे, ये डंबल ले, हम बारह मार लेंगे कोई ना, मेरे तो हो गए हैं। तो चलो भाई अपना फ्लैट बेंच डंबल प्रेस कंप्लीट हो चुके हैं, अपना नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। चलो सो भाई नेक्स्ट अपना थर्ड वर्कआउट अपना बटरफ्लाई, और जिसकी आप लोगों के पास मशीन होगी, जिस भाई के पास मशीन ना हो वो मार सकता है अपना इंक्लाइन डंबल फ्लाई, ठीक है। तो करते हैं इसकी टेक्निक में मैंने देखा अक्सर लोग क्या करते हैं, ये मारते रहते हैं ये कई बार तो ऐसे करते हैं कि एक हाथ इधर गया एक हाथ इधर गया। तो अब इसको करना कैसे है, पहले तो सबसे पहले बेंच पे अपना बैठो, जब आपको लगता है आप बेंच बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हो दोनों हाथों से पकड़ो, ऐसे नहीं करना कि एक हाथ पीछे जा रहे, दोनों बिल्कुल कंफर्टेबल होना, जब इक्वली फोर्स लगाना है, एक साथ लगाना है, यानी कि राइट से ज़्यादा लगा दिया लेफ्ट से कम लगा दिया, इक्वली मन में अपना दिमाग लगा के पूरा दिल 1 2 3 ला के सामने रोको, और रोकने के बाद अपनी चेस्ट को अप करो, देन मूव स्लो 1 2 और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मिलाना है, ठीक है, इतना भी कर दोगे हो जाएगा, 3 4 5 6 10 तो भैया इसके करेंगे 4 सेट। टेक्निक आपको बहुत बारीकी तरीके से समझा रहा हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं इसके बाद। सो चलो भैया अपना फोर्थ वर्कआउट है इंक्लाइन बेंच प्रेस, और जैसे कि मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ 4 एक्सरसाइज करी थी, लेकिन आज मैं करूँगा 5 एक्सरसाइज, क्योंकि धीरे धीरे अपना वर्कआउट का लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे अपना वर्कआउट बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि अब डाइट वाइट बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया है। तो चलो इंक्लाइन बेंच प्रेस करने का तरीका, सबसे पहले तो अपने याद रहा है जैसे फ्लैट बेंच में आपने बार को नापा था, एक फिर 4 फिंगर, फिर जहाँ आपकी लिटिल फिंगर जाती है यानी छोटी उंगली जाती है वहीं पे आपको रखनी है 4 फिंगर, ठीक है जी, फिर 4 फिंगर फिर 4 फिंगर, ये अपने हो गए ग्रीप अपने शोल्डर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, सबके मेरा मतलब है सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबकी हाइट अलग है, तो सबके हिसाब से अलग अलग ग्रिप बनती है। तो ये ग्रिप नापने का तरीका मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी कुछ बचपन में कुछ प्रोफेशनल लोगों ने बताया था, तो मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। चलो यहाँ टच किया 1, फिर टच किया 2 3
10 और मारने को मैं भी इसके 20-25 रैप मार देता है, लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत जितनी है उतना ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होता भर पेट पे भी खाना खाते रहो, वॉमिटिंग ही होगी। तो इसलिए जितने आपकी बॉडी को नीड होती है उतनी ही ट्रेनिंग हमको करनी पड़ती है, उतनी ही करनी जरूरी होती है। बेकार में ना करे, बेकार में चीजों में ना घुसे। तो चलो इसके मारेंगे भाई 4 सेट। सुबह ही अपना इंक्लाइन बेंच प्रेस हो चुकी है और अब तक मेरे हो चुके 4 वर्कआउट और यह मेरा 5वां वर्कआउट। पिछली बार मैंने सिर्फ 4 वर्कआउट किए थे, इस बार 1 वर्कआउट ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा हर चीजों को। सो अब इंक्लाइन डंबल प्रेस है, टेक्निक को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इंक्लाइन डंबल प्रेस ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपके शोल्डर में काफी ज्यादा इंजरी होती है, इवन लोअर बैक पे भी इंजरी हो सकती है, क्योंकि डंबल को बहुत नीचे से ऊपर लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने अक्सर देखा है, आप लोग यहाँ पे भी रख लेते हो, ये भी अच्छी टेक्निक है। लेकिन जो मेरे को लगता है, मैं अपना डंबल दोनों लिफ्ट करता हूँ पूरी फोर्स से, दोनों को एक साथ ऊपर लिफ्ट करता हूँ मैं, एंड डन। 1, 2, 3, 4, 10। तो चलो मेरे भाई इसके मारेंगे हम 4 सेट और सेट मारने के बाद कुछ करते हैं बातें, कुछ करते हैं अपने ज्ञान व्यान की बातें, कुछ चीज़ आपको समझाता हूँ आपके यूज़ की होगी। चलो तो चलो जी, वर्कआउट तो अपना चल ही रहा है। वर्कआउट के बीच में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के काफ़ी काम आएगी बॉडी बनाने के लिए। तो पहली चीज़ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एलार्जिन। एलार्जिन क्या करती है? एलार्जिन हमारी बॉडी के अंदर, मैंने पाउच का फोटो लगा रखा है, देख लेना, किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। एलार्जिन हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड फ्लो तेज करती है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई करती है, प्लस एलार्जिन हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखती है, और भी काफी बेनिफिट है, तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। सो चलो मेरे भाई, अपना चेस्ट का वर्कआउट हो चुका है खत्म, और अब दो मेरे को इजाजत। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सकता है भाइयों तक शेयर करें वीडियो को, ताकि सबको हेल्प मिले, दूर दराज तक हेल्प मिले, और एटलीस्ट ये समझ आए कि हमें वर्कआउट कैसा करना है, डाइट में क्या क्या चीज हम खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। अगली वीडियो के लिए, अगली जानकारी के लिए इंतजार करना, जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।